हे डियर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माई चैनल डीप ड्राई रोड। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में, और अपनी लव लाइफ में भी आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और उम्मीद है कि आपको जनवरी मंथ भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। लेट्स सी कि आपके फरवरी में आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या रीडिंग है। अगर इसमें मुझे कोई मनी सिचुएशन भी नज़र आती है तो मैं उसको भी आपसे डिस्कस कर लूँगी। लेकिन ये आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है, मंथ ऑफ फरवरी। मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि अब मेरी वीडियोस अगर आपको रेजोनेट करती हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं किसी तरह हेल्पफुल हैं, तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि मुझे अपने चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले मेरे चैनल से। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियोज के लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी में। फॉर द मंथ ऑफ फरवरी स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो एट ऑफ पेंटिकल जो है वो आपके अंडरनीथ में है। आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट करनी है। हो सकता है फैमिली सिचुएशन में आपको किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको आप किसी लव अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत है आपको, हो सकता है वर्क हार्ड करना पड़े आपको इस फैमिली सिचुएशन की हैप्पीनेस के लिए, अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स भी काम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी सेलिब्रेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत है। फैमिली लाइफ की अबंडेंट के लिए आपको कुछ चीज़ों को दुरुस्त करना है। कोई चीज़ें आपने ख़राब की थी या किसी और पर्सन ने ख़राब की थी, तो इन चीज़ों को पहले सही होना होगा, उसके बाद आपको फैमिली हैप्पीनेस जो है वो मिलेगी। सिक्स ऑफ सोर्ड जो है वो आपकी करंट फीलिंग है, उसको कॉज कर रहा है टू ऑफ सोर्ड्स। आपके बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो स्ट्रेंथ है, और आपके क्राउनिंग द रीडिंग जो है वो सेवन ऑफ वांट है। रीसेंट पास फोर ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वांट्स। आपका नियर फ्यूचर पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स, डेविल, और थ्री ऑफ वांड्स जो है वो आपका आउटकम है। ओके, तो किसी चीज़ के लिए कोई सेलिब्रेशन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई हैप्पीनेस थी जिसमें आप जो है कुछ वर्क हार्ड की ज़रूरत है, यानी इस हैप्पीनेस को हासिल करने के लिए आपको दोबारा से मेहनत करनी होगी। इस तरह की कोई सिचुएशन है, या होम फैमिली की सिचुएशन हो सकती है। होम फैमिली में कुछ अमेंडमेंट या घर में कुछ अमेंडमेंट्स की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि बाकी कार्ड क्या कहते हैं। कि आपकी जो बेस ऑफ द रीडिंग वो स्ट्रेंथ है, जब आप जनवरी में होंगे के एंड में होंगे और फरवरी में एंटर होने वाले होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हो सकता है किसी चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी आ रही होंगी, जिसके हवाले से देखते हैं ये स्ट्रेंथ कार्ड क्या है। मैं पहले ही क्लेरिफायर ले रही हूँ स्ट्रेंथ के लिए, मैंने पूरी रीडिंग की भी नहीं है। आपकी जो करंट फीलिंग है उसमें ये है कि आप किसी चीज़ में स्मूथली चलते चलते अब आपको ऐसा लगता है कि आप स्मूथली नहीं चल रहे। जैसे कि फैमिली हैप्पीनेस में चलते चलते आपको लगा कि कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है जिसमें यह फैमिली हैप्पीनेस कायम रहे, तो आपको लग सकता है कि आप स्मूथली चल तो रहे, लेकिन आपको अब एक डिसीजन लेना है किसी चीज़ के लिए, या फिर अपनी लाइफ को स्मूथली आगे लेके चलने के लिए आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या ट्रैवल के हवाले से भी हो सकती है, फिजिकली ट्रैवल भी हो सकता है। तो आपको ये डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के लेना होगा। आपने स्ट्रॉन्गली एक डिसीजन लिया है
लेकिन अभी भी आप इनडिसाइसिव हैं उस डिसीजन के हवाले से। हो सकता है ट्रैवल का कोई डिसीजन हो, या लेकिन आपको कोई अपनी फैमिली के हवाले से कोई ऐसा डिसीजन लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के लेना है, और उसमें अभी भी कंफ्यूज्ड हैं आप। आपके माइंड में है सिचुएशन कि आपको एक डिसीजन लेना है। आपके डिसीजन पास में फोर पेंटिकल है, या जब मैं मतलब फरवरी में एंटर होंगी, स्टार्ट ऑफ फरवरी की ये आपकी रीडिंग हो सकती है कि आप, या तो आप अपने पार्टनर से के साथ ओपन अप नहीं हो रहे, आप अपने पार्टनर के साथ सक्सेसफुली मूव ऑन होना चाहते हैं। ये जैसे कि ये मैंने कहा कि आप किसी हैप्पीनेस के लिए हवाले से आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो आपने अब इस अमेंडमेंट ये अपॉइंटमेंट आप नहीं कर पा रहे इन स्टार्ट ऑफ द मंथ। आपने अपनी अपने आप को बिल्कुल डिटैच किया हुआ है, तो आपको इस अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो जाके आप ये हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, या फिर आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को होल्ड किया हुआ है, और आपको एक डिसीजन बनाना है इस एनर्जी से बाहर निकल के। आपको अपने अपने पार्टनर्स के साथ ओपन अप होकर होना होगा, और तो ये डिसीजन बन सकता है। या फिर आप डिसीजन बनाएं कि आपको अपने पार्टनर के साथ ओपन अप होकर इस हैप्पीनेस के लिए, इस फैमिली हैप्पीनेस के लिए वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। ये तो पेंटिकल के जो है वो हार्ड वर्क को शो करता है। और आपके माइंड में यही है कि आप डिफेंसिव हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को डिफेंड कर रहे हैं। या फिर अगर ये घर में किसी अमेंडमेंट की बात है, तो आपके पास फाइनेंसेस शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेंगे, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे आपके आपको अमेंडमेंट मेंटेनेंस करवानी भी है या नहीं करवानी। या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना होगा। अगर ये पर्सन की बात है, तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। अपने आप को डिफेंड ना करें, आपके माइंड में यही कि आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं उस पर्सन के तरफ आगे बढ़ने में। आपको एक डिसीजन लेने में डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको स्ट्रांगली डिसीजन लेना होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर आपके नियर फ्यूचर में आप मुझे सक्सेसफुली इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से, हो सकता है कि आपके पार्टनर आप अपने पार्टनर को प्रैक्टिकल ऑफर करें, या फिर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आप ये काम, घर का अगर मेंटेनेंस का काम है तो वो आप करवा सकें। आपको ये अथॉरिटी अप्रूवल मिल सकता है। हो सकता है आप किसी लोन लोन लेकर ये काम करें, या उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों, या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ से आप उसको एक मैसेज कर सकते हैं, या वो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। दोनों ही कार्ड आपके पास, पेज ऑफ पेंटिकल और आपके पार्टनर की जो है पेज ऑफ वॉन्ड है, तो दोनों ही जो है रेडी हैं, रेडी टू टॉक हैं, और इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते हैं। और आपकी फेयर ये है कि कहीं दोबारा से कोई टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप के दरमियान ना आ जाए। तो आपके आउटकम को देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप फेयर में ही हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ ना हो कि दोबारा से आपके रिलेशनशिप में के बीच में आ जाए। जो भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी गलत चीज़ थी आपके, जो जिस चीज़ की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में कुछ दरार आई थी, तो वो इस चीज़ को आपको ख़त्म करना होगा, उस चीज़ को अमेंड करना होगा, इस टॉक्सिसिटी को अमेंड करना होगा, तो जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। और हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, तो आप हो सकता है उस पर्सन की तरफ से, वो पर्सन की उस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ। तो आपको, आप अपने आप को विक्टोरियस फील कर रहे हो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टोरियस फील कर रहे हो। यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेंथ कार्ड को, स्ट्रेंथ क्या है, प्लीज यूनिवर्स क्लेरिफाई दिस स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड,
प्लीज यूनिवर्स गिव बाय दिस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ डेफिनेटली किसी फायर साइन से आप डील करें और वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है कि ये पर्सन स्ट्रांग हो अपने अपने आप में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप जो हैं वो उस पर्सन के इस वो पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड कर रहा हो आपकी तरफ बढ़ने में, या फिर आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हो सकता है आप उस पर्सन से अपने आप को डिफेंड करें, या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप उससे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें और आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अमेंड हो जाए और आप इस डिसीजन को लेने में कामयाब भी नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन ओपन है, कम्युनिकेशन ओपन है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि ये टॉक्सिसिटी जो भी है ये ख़त्म हो जाए आपकी रिलेशनशिप से और आप दोबारा से इस पर्सन के साथ जो है वो रिकनसाइल कर लें, या ये टू ऑफ वॉन्ड क्या है देख लेते हैं यहाँ पर, व्हाट इज टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ कप, द एम्परर। सो एक ऐसी कम्युनिकेशन होगी जिससे आपको अपने आप को डिफेंड करना होगा, इस एम्परर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगी, हो सकता है कोई अथॉरिटेटिव फिगर जो है वो क्लियर कट आपको कोई हार्श ऐसे कोई हार्श कम्युनिकेशन इस एम्परर की तरफ से हो सकती है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाए, और ये एम्परर कोई फादर फिगर भी हो सकती है जिसकी वजह से जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिफेंड करना पड़ रहा है अपने आप को, और आपको लगता है हो सकता है इस फादर फिगर की मदद से आप जो है इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ जो भी आपका मामला चल रहा था, किसी का भी फादर फिगर हो सकती है, या आपके फादर की एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन के फादर की एनर्जी हो सकती है, तो ये फादर फिगर की मदद से कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी और इस पर्सन के दरमियान जिसके बाद आप जो है बहुत ज़्यादा विक्टोरियस हो सकते हैं इस सिचुएशन में, दोबारा से इस कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है और जो भी अमेंडमेंट थे वो हो सकते हैं और दोबारा से रिकनसाइल हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। If it resonates, you please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.